हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग सो ग्रेट। तो मैं आई हूँ वैनकूवर। आज मैं वैनकूवर 6 महीने बाद आई हूँ। मेरी पहली इंटरनेशनल लेवर वैनकूवर थी, तो इसके साथ मुझे थोड़ा सा इमोशनल अटैचमेंट है। एंड टॉप ऑफ दैट, मुझे वैनकूवर बहुत पसंद है और ये मेरे होटल के बिल्कुल सामने है। और वो जो दूर दिख रहा है ना लाइट्स, वो नॉर्थ वैनकूवर है। तो अभी शाम के 6:30 बज रहे हैं और अभी हम लोग थोड़ा बाहर निकले हैं। जब मैं सुबह लैंड होके आई थी ना, तो यहाँ पे बारिश हो रही थी। तो होटल के बिल्कुल सामने ये टिम हॉर्टन था, तो वहाँ से मैंने सबसे पहले कॉफ़ी ली। और यहाँ से अभी हम पैदल ही जाएंगे। पैदल 12 मिनट्स का रास्ता दिखा रहा है। तो अभी हम जा रहे गैस टाउन। मैंने इतने लोगों की स्टोरीज देख ली ना, अब तो मुझे भी ये है कि मुझे देखना है कि गैस टाउन में ऐसा है क्या। तो चलिए फिर उधर ही चलते हैं। और फिर चलते चलते हमें ये मिले जो बहुत ही अच्छे से गाना गा रहे थे। हाँ, मैंने म्यूट कर दिया, क्योंकि नहीं तो क्या पता फिर कॉपीराइट मिल जाए। और थोड़े से आगे ही ना हमें ये क्यूट सा सुवीनियर शॉप मिला। कितने क्यूट क्यूट से देखिए ना, यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स रखे हैं, बहुत ही रीजनेबल प्राइस है और बहुत सारे ऑप्शंस थे, मतलब भाई भर के। और ये रेड वाले कितने प्यारे हैं ना, मैंने भी एक लिए हैं। पता है, मैं 6 महीने से नहीं आ रही थी ना, तो मैंने किसी और से मेरे लिए फ्रिज मैग्नेट्स मंगवाए थे। उससे निकलते ही हमें एक और लेफ्ट हैंड साइड में ये सुवीनियर शॉप मिला। और यहाँ पे तो मैपल सिरप भर भर के है। पहले मैं गैस टाउन होके आती हूँ, फिर इसके अंदर जाऊँगी। और ये रहा गैस टाउन। तो यहाँ पे बेसिकली ज़्यादा कुछ है नहीं, ये एक स्टीम सा है जो एक, मतलब एक वॉच टावर का है, उसके ऊपर से बस स्टीम निकलता है। और एक टाइमिंग, मुझे एग्जैक्टली टाइम का नहीं पता, कभी तो ये थोड़ा शोर वोर करता है। तो बस वहाँ से फिर हम अभी वो जो दूसरा सुवीनियर शॉप मैंने बाहर से दिखाया था ना, वहीं पे आई हूँ। और यहाँ पे तो फ्रिज मैग्नेट और भी ज़्यादा है, और भी इतने सारे क्यूट से ऑप्शन थे। पता है ये 299 करके है, अगर आप 5 लोगे तो वो $10 के कुछ पड़ेंगे। और यहाँ पे फ्रिज मैग्नेट्स और ये मेपल लीव्स के पेंसिल्स, मेपल लीव्स वाले ये डायरीज, बहुत कुछ था। गिफ्ट करने के लिए तो हज़ारों चीज़ मिलेंगी आपको इस शॉप में। बट ये जो डायरी है ना, ये मुझे थोड़ा सा महंगा लगा। इट्स ऑलमोस्ट $6 कैनेडियन डॉलर। उसके अलावा भी ये छोटे छोटे सॉफ्ट टॉयज और भी बहुत कुछ थे, मतलब कपड़े भी थे, देर आर लॉट ऑफ थिंग्स। और ये देखिए फिर से कितने सारे फ्रिज मैग्नेट्स, मन तो कर रहा था सारे ले जाऊँ मैं एक एक करके। फिर यहाँ पे मैपल कुकीज़ थे, मैपल सिरप थे और ये मैपल चॉकलेट्स थे। एंड और भी हाँ, यहाँ पे लिकर चॉकलेट भी थे। पता नहीं, मुझे, मैं लेके तो नहीं जा सकती, नहीं तो मैं ज़रूर लेके जाती है और टेस्ट करती कि लीकर चॉकलेट खाने से ऐसा क्या होता है। और ये रहा वो लीकर चॉकलेट जो कि कुछ $15 के हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे चॉकलेट्स के ऑप्शंस थे। मैंने लिए 2 चॉकलेट लिए और एक मैपल कुकीज़ लिया। और ये देखिए यहाँ पे ब्लूबेरीज, रसबेरी, कितने सारे टी बने हुए हैं, मतलब इतना सब सारे चीज़ों से टी बनता है तो मुझे पता भी नहीं था। देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शन फॉर टीज। और ये हमारे होटल के बिल्कुल सामने सुंदर से लाइट के साथ वैनकूवर लिखा हुआ है। और आज दूसरे दिन का सुबह है, जो कि आप देख सकते हैं पूरा क्लाउडी है, बारिश भी हो रही है। पता नहीं क्या होगा, बाहर जा पाएंगे कि नहीं। बारिश हो तो रही थी बट फिर भी हम लोग निकल गए। कोई और नहीं आया, सबको लग रहा था कि बारिश होगा। तो ये ना मेरे होटल के बिल्कुल ऑपोजिट में यहाँ पे कैपिलानो का बस रुकता है। और ये एक फ्री शटल होता है, अगर आप कैपिलानो जा रहे हो तो यहाँ से आपको फ्री में लेके जाते हैं, कैपिलानो छोड़ते हैं। और देर इज टाइमिंग्स भी वहाँ पे हैं, मतलब हमेशा नहीं मिलेंगे, टाइम पे ही मिलेगा आपको। और वहाँ से कैपिलानो से फिर आपको वापस इस जगह पे छोड़ेंगे भी, बट इट इज़ फुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अभी हम साउथ वैनकूवर से नॉर्थ वैनकूवर जा रहे हैं ना,
तो हमें ये लाइंस ब्रिज को क्रॉस करनी पड़ेगी। और ये इतना सुंदर लगता है ना रात को हमारे होटल से, ये इसका जब पूरा लाइट जलता है ना वो इतना सुंदर लगता है, इट लुक्स सो ब्यूटीफुल। और देखिए साइड का नज़ारा भी बहुत सुंदर है। वेदर फोरकास्ट के हिसाब से दोपहर 2 बजे से बारिश रुक जानी चाहिए और सनलाइट आनी चाहिए। लेट्स सी क्या होता है, निकल तो गए रिस्क लेके। और ये हम पहुंच गए कैपिलानो। तो होटल से ना हमें एक कूपन मिली है जिससे आप 4 बंदे जा सकते हैं एक कूपन पे, और पर पर्सन में हमें $5 की डिस्काउंट मिलेगी। तो हमें पर पर्सन $60 की टिकट मिली। और चलिए फिर मैं आपको कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज की हिस्ट्री सुनाती हूँ जो बिल्कुल एक कहानी की तरह है। तो ये कहानी शुरू होती है एक स्कॉटिश इंजीनियर एंड रियल एस्टेट डेवलपर नेम जॉर्ज ग्रांट मके, जो अपना सब कुछ बेच के हाईलैंड से वैंकूवर शिफ्ट हुए थे इन 1887। और फिर 1880 में ही परचेज बोथ साइड ऑफ द कैपिलानो रिवर एंड नॉर्दर्न साइड के क्लिफ पे उन्होंने कैबिन बनाया। 1889 पे उन्होंने फर्स्ट कैपिलानो सस्पेंशन ब्रिज बनाया टू गेट द अदर साइड। शुरू में इन लोगों ने इसे लाफिंग ब्रिज का नाम दिया क्योंकि जब भी हवा चलती थी ना इट स्टार्टेड मेकिंग सम नॉइज, जो कि आज भी होती है। पहला ब्रिज हेम्प रोप एंड सेडर प्लैंक से बनाया गया था। फिर 1903 में रोप ब्रिज वॉज रिप्लेस्ड बाई स्टील केबल। इन 1910 अ लॉयर नेम्ड एडवर्ड, उन्होंने ये ब्रिज खरीद लिया अपने वाइफ के लिए, कहते हैं कि ये उनके लिए वेडिंग प्रेजेंट था। तो उनकी कहानी कुछ ऐसी थी कि एडवर्ड 48 साल के थे और लिलिट 19 साल की थी। एडवर्ड ने लिलिट से 1911 में शादी की और उनका पहला बेटा ब्रियान 1913 में पैदा हुआ। विक्टोरिया में लिलिट और उनकी विधवा माँ रहती थी। तो लिलिट को पास रखने के लिए एडवर्ड ने एलिजाबेथ यानी लिलिट की माँ को उनके बच्चों के साथ पार्क देखभाल करने के लिए बुला लिया था। एडवर्ड ने अपने यंग ब्राइड के लिए एक टी हाउस भी बनाया था इन 1911, जो यहाँ पे ऑलमोस्ट 200 लोग बैठ के लंच कर सके, और आज भी वो टी हाउस गिफ्ट स्टोर के रूप में है। इन 1914 एडवर्ड ने एक और स्टील केबल जोड़ा ब्रिज को और मजबूत करने के लिए, और इधर एलिजाबेथ यानी लिलिट की माँ ने इस जगह को और भी सुंदर बनाया फ्लावर्स एंड रेडोडेंड्रंस के साथ। और वक्त के साथ साथ ये जगह वैंकूवर की सबसे टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस बनती गई। अब 1919 में एलिजाबेथ एक चार्मिंग स्कॉटिश मैन नेम मैक से मिली, जो यहाँ पे आते जाते रहते थे। 20 साल के एज गैप होने के बावजूद भी दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया और दोनों ने 1921 में शादी कर ली चुपचाप से। उसके बाद 14 साल मैक एंड एलिजाबेथ क्लिफ हाउस में रह गए एंड ब्रिज की देखभाल करते रहे। 1934 में मैक ने एलिजाबेथ के लिए एक बड़ा सा कैबिन बनाया मेन स्ट्रीट के पास, बट अनफॉर्चुनेटली एलिजाबेथ ज़्यादा दिन उस घर को एंजॉय नहीं कर पाई क्योंकि शी पास्ड अवे इन 1935 एट द एज ऑफ 71। एलिजाबेथ के डेथ के बाद एडवर्ड ने मैक को पूरी प्रॉपर्टी बेच दी। चल चल के इतना थक गए ना और भूख भी लगी है, तो हम कैफ़े आए, आके यहाँ से एक हॉट चॉकलेट लिया और ठंड को एंजॉय करते हुए, और यहाँ पे लाइव म्यूज़िक भी हो रही थी जो कि मैंने म्यूट कर दिया कॉपीराइट के डर से। बट एट द एंड ऑफ द डे ये टाइम इतना सुहाना सा था ना। चलिए फिर गेट बैक टू माई स्टोरी। 1945 में मैक ने इस प्रॉपर्टी को एक फ्रेंच रेस्टोरेटर हेनरी एवेन्यू को बेच दिया, और फिर नेक्स्ट 8 ईयर्स हेनरी उनके वाइफ के साथ यहीं पे रहे। और फिर 1953 में एक बिजनेसमैन रे मिचेल इस प्रॉपर्टी को खरीद ली, और फिर कुछ साल बाद उन्होंने इस प्रॉपर्टी को सेल पे दे दिया। तो इस बात को उनकी बेटी नैन्सी बर्दाश्त नहीं कर पाई क्योंकि उनकी ज़्यादातर बचपन यहीं पे गुजरी थी। तो उन्होंने ये प्रॉपर्टी अपने फादर से खरीद लिया इन 1983। फिर 1989 में उन्होंने ब्रिज का 100 साल बर्थडे भी मनाया, और आज भी वही मालकिन है इस जगह की। और फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट होती गई
और फिर ये क्लिफ वॉक भी उन्होंने ही बनाया। तो कैसी लगी आपको ये कहानी और ये जगह? मुझे तो बहुत प्यारी लगी। पता है, मैंने इस जगह की वीडियो और फोटोज़ बहुत साल पहले फेसबुक पे या इंटरनेट पे मैंने देखा था और मुझे ये जगह बिल्कुल अनरियल लगी थी। मुझे लगा था कि ये कंप्यूटराइज है या फिर यू नो ऐसे नेट इंटरनेट पे इसको बनाया गया है। मुझे नहीं पता था कि ये जगह रियल है। जब मैं आज यहाँ पे आई हूँ ना, तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि इस जगह को इन्होंने इतने ब्यूटीफुली सजा के रखा है, इतना मेंटेन करके रखा है। और मुझे नहीं लगता कि इस जगह के लिए कोई भी यू नो इकोसिस्टम को कुछ भी प्रॉब्लम हुआ होगा, बिकॉज दे आर केपेबल ऑफ टेकिंग केयर ऑफ नेचर एज वेल एज द टूरिज्म थिंग। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, फिर मिलेंगे किसी और वीडियो में किसी और जगह पे। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।